हेलो दोस्तों, वार वेलकम आवर चैनल वीकली जी के ट्रिक नो ड्रामा ओनली ऑन जी के खजाना। हाँ जी, इस जी के खजाना में हम आपके लिए लाए हैं कर्क, मकर और भूमध्य रेखा को दो दो बार काटने वाली नदियाँ कौन सी है। हम आपको ऐसे पढ़ेंगे कि आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे पता ही चल गया होगा हमारी थंबनेल से कि आज के हमारे टॉपिक ऑफ द ट्रिक वो है कर्क, मकर व भूमध्य रेखा को दो दो बार काटने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो हमारी आज की ट्रिक है माही का पापा कल भूखा था। क्या बोला मैंने? माही का पापा कल भूखा था। आइए देखते हैं इस ट्रिक का क्या यूज़ है। माही का को हमने दो पार्ट में कर दिया डिवाइड, माही प्लस का। माही, इसमें जो माही और का है उसमें एक आपको नदी का नाम बताया जाएगा, दूसरा वो नदी किस रेखा को काटती है वो बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं माही से क्या होगा। आप जल्दी गैस कर सकते हैं, ये इंडियन नदी है, जल्दी करिए। माही से क्या होगा? माही नदी। मैं आपको यहाँ से लिंक करते हुए भी चलूँगा कि ये कहाँ से बहती है ये, ठीक है? आप ध्यान रखना इसका। तो कहाँ से हो गया क्या, जल्दी सोचिए कहाँ से कौन सी रेखा को काट रही है माही नदी, जल्दी बताइए। कर्क रेखा, ठीक है। अगला है पापाकल, यानी माही का पापाकल। पापाकल को हमने अलग अलग कर लिया, पापाकल, ठीक है। पापा से कौन सी नदी होगी, थोड़ा आप लिंक करके सोचिए और थोड़ा नदियों को इस वर्ड से अटैच करके भी जोड़िए। तो पापा से हो गया लिम्पोपो। क्या हो गया? लिम्पोपो। पीछे वाला बड़ा रहा है ना पूरा पापा की तरह, पोपो। कल से कौन सी उसको काटती है लिम्पोपो नदी, जल्दी बताइए। कल से क्या होगा? मकर नदी, ठीक है। जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा नदी को, सॉरी ये नदी नहीं, मकर रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। अगला है माही का पापा कल भूखा था, ठीक है। हम भूखा को हम यूज़ करेंगे और था को जो हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। भूखा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, भू प्लस का। भू से क्या होगा, जल्दी बताइए। हमारी कौन सी रेखा बच गई? कर्क हो गई, मकर हो गई, और कौन सी रह गई? भूमध्य रेखा। आपने दोस्तों सही सोचा। कहाँ से कौन सा नदी होगी हमारी? कांगो नदी। तो देखा ना हमने, एक छोटी सी लाइन में आपको जो हमारी कर्क, मकर और भूमध्य रेखा को काटने वाली दो दो बार नदियां हैं वो हमने आपको ट्रिक से बता दी। अब हम आपको फैक्ट लेके चलते हैं और इन नदियों को किन किन नामों से और जाना जाता है, तो वीडियो में बने रहिए। जो माही नदी है, माही नदी का जो उद्गम है, नोट करते चलिए, माही नदी का जो उद्गम है वो होता है एमपी के धार जिले से। कहाँ से होता है? एमपी के धार जिले से, ठीक है। दूसरा, जो माही नदी है वो कहाँ जाके गिरती है, कहाँ जाके गिरती है, जल्दी बताइए। खंबात की खाड़ी, ध्यान रखना दोस्तों, खंबात की खाड़ी को कैम्बे की भी खाड़ी कहते हैं। हमारी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनी पड़ी है जिसमें हमने आपको बताया है कि भारत में कुल कितनी खाड़ियां हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप ज्योग्राफी जी के ट्रिक की जो प्लेलिस्ट में उसमें देख सकते हैं। अगली नदी जो है वो है लिम्पोपो। लिम्पोपो कहाँ की नदी है, ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ की नदी है ये? दक्षिण मध्य हमें अफ्रीका। कहाँ की नदी है? दक्षिण मध्य अफ्रीका की नदी है। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं बिल्कुल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको जो एग्ज़ाम पूछे भी जाते हैं, ठीक है। जो लिम्पोपो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी नदी सबसे बड़ी है, यानी हम कह सकते हैं दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा, सर पहली नदी कौन सी है, है ना? तो जो पहली नदी है वो है जेम्बेजी। क्या बोला मैंने? जेम्बेजी नदी। ये फर्स्ट नदी है अफ्रीका की सबसे लंबी, दूसरी कौन सी है? लिम्पोपो नदी।
ठीक है ना दोस्तों। तीसरी बात, इनकी इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 1750 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 1750 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी लिम्पोपो नदी से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली नदी है कांगो नदी। कांगो भी नदी कहाँ की है ध्यान रखना दोस्तों, अफ्रीका की। ये भी कहाँ की नदी है, अफ्रीका की। ठीक है, दूसरा, इसको कौन से नाम से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है इसे, जाइरे नदी। आपने सुना भी होगा जाइरे, है ना, जाइरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो अफ्रीका में है वहाँ पर कांगो गणराज्य भी एक कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी, है ना, हमने फैक्ट ही बता दिया। कांगो नदी की जो लंबाई है वो है 2900 माइल्स। माइल्स का मतलब होता है ये किलोमीटर से ज़्यादा होता है, जो होता है 1.523 किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका। ठीक है, अगला, हमने आपको एक लंबाई नहीं बताई किसकी, माही नदी की, है ना। तो माही नदी की लंबाई कितनी है आप नोट कर लीजिए, इसकी जो लंबाई है वो है कितनी, 576 किलोमीटर। ठीक है, तो देखा ना हमने एक छोटी सी ट्रिक और छोटे से कंसेप्ट में आपको हमने कितनी डिटेल्स बताई इन टॉपिक से रिलेटेड। हमारा जो काम है वो ट्रिक ही बताना है, नहीं ट्रिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन भी बनते हैं वो ही बताना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन की वीडियो अब तक तुरंत पहुँचती रहे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।